वेलकम टू माई चैनल आज हम क्लास इलेवेंथ का सेक्रेट्रियल प्रैक्टिस ये सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं सेक्रेट्रियल प्रैक्टिस जिसे शॉर्ट में एस पी भी कहा जाता है और राइट right. तो पहले देख लेते हैं सेक्रेटरियल प्रैक्टिस एक्चुअली इस सब्जेक्ट में है क्या हमें क्या स्टडी करना है तो जैसे कि नाम बता रहा है सेक्रेट्रियल प्रैक्टिस सो थोड़ा बहुत आइडिया या हिंट लग गया होगा सेक्रेटरील प्रैक्टिस मीन्स सेक्रेटरी राइट हम इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट में इस पूरे बुक में सेक्रेटरी के बारे में स्टडी करने वाले हैं दैट इज़ सेक्रेटरी क्या है सेक्रेटरी कौन है सेक्रेटरी कहाँ से आया सेक्रेटरी क्या काम करता है कहाँ पे काम करता है कौन सेक्रेटरी को अपॉइंट करता है कौन कौन से टाइप्स के सेक्रेटरी है क्या सेक्रेटरी पर्सनल होता है या फिर वो सेक्रेटरी कंपनी के लिए काम करता है ये सारी चीज़ें सेक्रेटरी के बारे में सेक्रेटरी के बारे में हम इस बुक में स्टडी करने वाले हैं और राइट तो ये जो पूरा का पूरा सब्जेक्ट है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस इज ऑल रिलेटेड टू सेक्रेटरी एंड इट्स वर्क ऑल राइट सो स्टार्ट करते हैं सेक्रेटरियल प्रैक्टिस ये सब्जेक्ट में टोटल ट्वेल्व चैप्टर्स हैं जिसमें से आज हम चैप्टर वन दैट इज सेक्रेटरी चैप्टर वन स्टार्ट करेंगे और राइट सो पहले देख लेते हैं कि चैप्टर वन ये जो सेक्रेटरी इसके अंदर हमें क्या क्या टॉपिक कवर करने हैं और राइट तो फर्स्ट इज ओरिजिन ऑफ सेक्रेटरी देन मीनिंग एंड डेफिनेशन फीचर्स इंपॉर्टेंस फिर टाइप्स हैं जिसमें पर्सनल सेक्रेटरी है और इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी है इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी में हमें सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट स्टॉफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ये स्टडी करना है फिर है फंक्शन ऑफ सेक्रेटरी देन है क्वालिटीज ऑफ सेक्रेटरी तो ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो हमें चैप्टर वन दैट इज सेक्रेटरी में कवर करने हैं ऑल राइट सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से सो लेट इज बिगन द इंडियन इकनॉमी इज फास्ट डेवलपिंग एंड हैज़ फास्टेस्ट ग्रोइंग सर्विस सेक्टर इन द वर्ल्ड वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैव इमर्ज इन द प्रेजेंट इकोनॉमिक सिचुएशन तो जैसे कि हमारा कंट्री है इंडिया ये बहुत ही फास्ट डेवलपिंग कंट्री है और राइट इसका डेवलपमेंट बहुत फास्ट हो रहा है और जैसे जैसे कंट्री हमारी ग्रो कर रही है तो ये अलग अलग सेक्टर्स भी ग्रो हो रहे हैं जिसकी वजह से अलग अलग टाइप के ऑर्गेनाइजेशन इमर्ज हो रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं और फ़ाइनेंस इज नीडेड टू एस्टैब्लिश अ बिजनेस रन इट टू मॉडर्नाइज इट इट एंड डाइवर्सिफाइड तो फाइनेंस बहुत ज़रूरी है कोई भी बिज़नेस को इस्टैब्लिश करने के लिए स्टार्ट करने के लिए फ़ाइनेंस मतलब पैसा पैसा तो ज़रूरी है कोई भी बिज़नेस हमें स्टार्ट करना है तो चलाना है तो मॉडर्नाइज करना है तो मतलब आज के ज़माने के हिसाब से अगर बिजनेस चलाना है तो पैसे रिक्वायर्ड है मॉडर्नाइज मतलब फर्नीचर अच्छा होना चाहिए इक्विपमेंट्स अच्छे होने चाहिए और पूरा का पूरा बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सब अच्छे होने चाहिए राइट right? अगर हमें एक्सपांड करना है अपना बिजनेस बढ़ाना है अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन अलग अलग जगहों पे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है उसमें वैरायटी क्रिएट करनी है तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ों के लिए फाइनेंस डेट इज़ पैसे बहुत इम्पॉर्टेंट है द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज़ बिकम इम्पॉर्टेंट टू द कॉरपोरेट वर्ल्ड तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो गया है कॉरपोरेट वर्ल्ड में दैट इज़ बिजनेस वर्ल्ड में एक्सपर्ट इंडिविजुअल्स हैविंग स्पेशल कैपेबिलिटीज़ एंड नॉलेज टू ग्रो बिज़नेस हैव नाउ बिकेम इम्पॉर्टेंट फॉर आर प्रेजेंट इंडियन बिजनेस सिनारियो तो इसके लिए हमें एक्सपर्ट इंडिविजुअल्स एक्सपर्ट लोगों की ज़रूरत है उनके स्पेशल कैपेबिलिटीज़ नॉलेज की ज़रूरत है सो दैट हमारा हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें राइट right? द प्रोफेशन ऑफ सेक्रेटरी इज वन सच प्रोफेशन विच काटर टू चेंजिंग डिमांड्स ऑफ बिजनेस मैन एंड ऑर्गेनाइजेशन तो सेक्रेटरी का ये प्रोफेशन है ये उनमें से ही एक प्रोफेशन है जो हमारे चेंजिंग जो बिजनेस है और चेंज जो इन्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर हेल्प करेगा सो द सब्जेक्ट सेक्रेटरी प्रैक्टिस डील्स विद दी ओरिजिन इंपॉर्टेंस फीचर्स टाइप्स अपॉइंटमेंट क्वालिटीज क्वालिफिकेशन फंक्शंस ड्यूटीज़ ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्रेटरीज द फंक्शंस ऑफ जॉइंट्स ऑफ कंपनी एक्सेट्रा और राइट सो ये जो सब्जेक्ट है सेक्रेटरी प्रैक्टिस इसमें हम पूरी की पूरी चीज़ें सेक्रेटरी के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे कि सेक्रेटरी कहाँ से आया है सेक्रेटरी की इंपॉर्टेंस उसके फीचर्स टाइप्स सेक्रेटरी को कौन अपॉइंट कर सकता है क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए कितनी पढ़ाई होनी चाहिए सेक्रेटरी की फंक्शंस क्या क्या काम करता है सेक्रेटरी ड्यूटीज़ क्या है सेक्रेटरीज़ की जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है ये सारी चीजें हम ये सब्जेक्ट सेक्रेटरी प्रैक्टिस में स्टडी करेंगे ऑल राइट सो आगे देखते हैं ओरिजिन ऑफ सेक्रेटरी अनटिल द नेट नाइन्टीन सेंचुरी पर्सन इन्वॉल्व इन डेली करस्पॉन्डेंस एंड द एक्टिविटीज रिलेटेड टू फाइनेंस हैड अज्यूम द टाइटल सेक्रेटरी तो नाइन्टींथ सेंचुरी में क्या बोला जाता था जो भी पर्सन जो भी इंडिविजुअल डेली के रोज के जो करस्पोंडेंस के काम करता था करस्पोंडेंस मतलब जो लेटर्स हम लिखते हैं ऑफिशियल लेटर्स मतलब जो बिजनेस से रिलेटेड लेटर्स होते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह तक देना लेना किसी दूसरे डिपार्टमेंट में या किसी दूसरे कंपनी में उसको बोलते हैं डेली करस्पोंडेंस अगर सिंपल वर्ड में बोला जाए तो कम्युनिकेशन करना और बाकी जो भी एक्टिविटीज़ काम है जो पैसों से रिलेटेड है वो सारे के सारे जो भी काम करता था ऐसे एक पर्सन को हमने एक नाम दिया था एक टाइटल दिया था जो है सेक्रेटरी और राइट द लैटिन वर्ड सेक्रेटम और सेक्रेटस विच मीन्स सीक्रेट तो लैटिन में सीक्रेट को दो अलग अलग नाम दिया है एक है सेक्रेटम दूसरा है सेक्रेटस और राइट तो ये याद रखना द वर्ड सेक्रेटरी इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेक्रेट्रियस विच मीन्स समवन हु वर्क फॉर अ पर्सन ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस तो ये जो वर्ड है सेक्रेटरी ये कहाँ से डिराइव हुआ है कहाँ से आया है एक लैटिन वर्ड है जो कि है सेक्रेट्रियस यहाँ से हमें ये जो वर्ड है सेक्रेटरी वो मिला है जिसका मतलब क्या होता है ऐसा कोई पर्सन जो बहुत इम्पॉर्टेंट काम करता है और राइट right? जिसके लिए कोई काम कर रहा है दैट इज सेक्रेटरी ऐसे किसी पर्सन के लिए काम करता है जो इम्पोर्टेंट हो सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा आगे देखते हैं इन द रोमन टाइम्स स्क्रिब्बे वॉज अ प्रोफेशनल लेटर राइटर और वन हु मेंटेन्स अ कॉन्फिडेंशल रिकॉर्ड तो सेकेंड है रोमन टाइम्स में स्क्रिबे करके एक ये वर्ड है जो डिस्क्राइब करता है सेक्रेटरी को ही लेकिन अलग तरीके से इसमें क्या बताया है कि स्क्रिबे एक प्रोफेशनल राइटर है लेटर राइटर जो लेटर्स लिखता है बट प्रोफेशनली मतलब बिज़नेस के लिए और जो कॉन्फिडेंशल रिकॉर्ड्स मतलब सीक्रेट मेंटेन करके रखता है कंपनी के सो so, उसको बोलते हैं स्क्रिबे लेकिन कहाँ पे रोमन टाइम्स में और राइट इन एंशंट इंडियन हिस्ट्री सेक्रेटरी वॉज़ रेफर टू एज अमात्या सचिवा और चिटनिस विच मीन्स अ पर्सन हु डज सेक्रेटरियल वर्क तो हमारे इंडिया में सेक्रेटरी ये जो वर्ड है वो कहाँ से डिराइव हुआ है और क्या क्या नाम दिए गए हैं सेक्रेटरी को अमात्या सचिवा और चटनिस इनका मतलब क्या है ऐसा कोई पर्सन जो सेक्रेट्रियल काम करता हो ठीक है टुडे द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट आल्सो हैव सेक्रेटरीज फॉर वेरियस डिपार्टमेंट्स फंक्शनिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्रीज इन सचिवालय तो आज सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी सेक्रेटरीज हैं डिपार्टमेंट हैं जिनके अंडर सेक्रेटरीज काम करते हैं सो आगे देखते हैं यहाँ पर एक छोटा सा चार्ट दिया हुआ है दैट इज़ टेबल है जिसमें तीन कॉलम्स हैं फर्स्ट इज औरजिन है सेकेंड है फॉर्मर नेम ऑफ सेक्रेटरी एंड लास्ट इज मीनिंग तो यहाँ पे हमने जो ऊपर पढ़े लैटिन लैंग्वेज रोमन लैंग्वेज और इंडियन हिस्ट्री में सेक्रेटरी के अलग अलग नाम और उसके मीनिंग वो सिर्फ़ एक चार्ट के एक टेबल के फॉर्मेट में दिया है आपको ईजिली बाय हार्ट करने के लिए right. और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में फिलअप्स और ऑब्जेक्टिव्स मैचअप्स में आता है लैटिन लैंग्वेज फॉर्मर नेम ऑफ सेक्रेटरी क्या है सेक्रेटरीअस जिसका नाम क्या है मतलब क्या है अ कॉन्फ़िडेंशियल राइटर और ऑफिसर विथ होम सेक्रेटरीज़ आर इंटरेस्टेड बाय एम्प्लॉय ऐसा आदमी जो किसी के लिए काम करता है लेकिन वो ट्रस्टवर्दी है और जो अपने एम्प्लॉयर अपने बॉस की सीक्रेट्स को मेंटेन करके रखता है और राइट रोमन एम्पायर सेक्रेटरी का क्या नाम था स्क्रिबे अब प्रोफेशनल लेटर राइटर और वन हु मेंटेन्स कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड तो कोई प्रोफेशनल लेटर राइटर वो जो लेटर्स लिखता था बट प्रोफेशनल तौर पे बिजनेस तौर पे ठीक है और जो कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स मतलब जो भी कंपनी के रिकॉर्ड्स है उसको सीक्रेटली मेंटेन करके रखता था किसी और को डिसक्लोज नहीं करता था किसी और को बताता नहीं था ठीक है नेक्स्ट इंडियन हिस्ट्री अमात्या सचिवा और चिटनिस तो इंडियन हिस्ट्री में सेक्रेटरी को क्या नाम दिया गया है अमात्या सचिवा और चिटनिस अ पर्सन हु डज सेक्रेटरीअल वर्क और राइट तो आई होप आपको ये तीनों के तीनों नाम और उसके मीनिंग समझ में आए होंगे आगे देखते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन तो हम सेक्रेटरी का मीनिंग क्या है और उसका डेफिनेशन क्या है वो देख लेते हैं देर आर वेरियस डेफिनेशन ऑफ सेक्रेटरीज समे मालस फॉलोज तो सेक्रेटरी के वैसे तो बहुत सारे डेफिनेशन गिवन हैं जिनमें से कुछ डेफिनेशन यहाँ आपके बुक में हैं जो हम स्टडी करने वाले हैं द ऑक्सफर्ड डिक्शनरी डिफाइंज अ सेक्रेटरी एज ऑक्सफर्ड डिक्शनरी सेक्रेटरी को क्या डिफाइन किया है अ पर्सन हुज वर्क इज़ टू राइट फॉर अदर्स एस्पेशली वन हु इज़ एम्प्लॉयड टू कंडक्ट करस्पॉन्डेंस कीप रिकॉर्ड्स एंड टू ट्रांजेक्ट वेरियस अदर बिजनेस फॉर अनदर पर्सन और फॉर अ सोसाइटी कॉरपोरेशन और पब्लिक तो सेक्रेटरी क्या है कौन है ऐसा कोई पर्सन जो किसी और के लिए लिखता है मतलब लेटर्स लिखता है किसी और के लिए कम्युनिकेशन बातें पहुंचाता है बातें करता है किसी के बिहाफ पे ऑल राइट right. जो रिकॉर्ड्स कन रखता है अपने पास सेफली सीक्रेटली ट्रांजेक्शन्स रखता है बिज़नेस के और किसी लेकिन खुद नहीं करता है अपने लिए नहीं किसी और के लिए काम करता है किसके लिए किसी दूसरे पर्सन के लिए किसी सोसाइटी के लिए किसी कॉरपोरेशन मतलब किसी कंपनी के लिए या फिर किसी बड़े से पब्लिक बॉडी मतलब कोई गवर्नमेंट बॉडी गवर्नमेंट कंपनी के लिए और राइट right? इन सिंपल ऐसा पर्सन जो किसी और के लिए काम करता है और उसके कंपनी का उसका सीक्रेट्स मेंटेन करके रखता है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो लेटर्स लिखता है और यहाँ से लेटर्स एक कंपनी से दूसरे कंपनी में पहुँचाता है और कम्युनिकेशन करता है और राइट अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन सेक्शन टू सबसेक्शन ट्वेंटी फोर कंपनी सेक्रेटरी और सेक्रेटरी मीन्स अ कंपनी सेक्रेटरी एज डिफाइंड इन क्लॉज सी ऑफ सब सेक्शन वन ऑफ सेक्शन टू ऑफ कंपनीज सेक्रे इन कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट नाइनटीन एटी हु इज़ अपॉइंटेड बाई कंपनी टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ अ कंपनीज सेक्रेटरी अंडर दिस एक्ट तो अकॉर्डिंग टू ये जो डेफिनेशन है इसको सिंप्लीफाई करके क्या बताया है अ कंपनी सेक्रेटरी एक्ट नाइनटीन एटी डिफाइंस कंपनी सेक्रेटरी एज़ अ पर्सन हु इज मेम्बर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ऐसा पर्सन जो कहाँ का मेंबर होना चाहिए कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ये जो इंस्टीट्यूट है यहाँ का मेंबर होना चाहिए अगर उसे कंपनी का सेक्रेटरी बनना है तो ऑल राइट आगे देखते हैं फ्रॉम दी अब डेफिनेशन इट कैन बी स्टेटेड दैट सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड टू एंश्योर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द Organization and assist in various functions related to correspondence, meetings, record keeping, and any such administrative work. तो जो ऊपर के हमने दो डेफिनेशनस देखे उसमें से हमें क्या पता चलता है कि सेक्रेटरी को हम क्यों अपॉइंट करते हैं सो so दैट हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारा जो बिजनेस है उसका काम एकदम स्मूदली चले बिना किसी रुकावट के चले और करस्पॉन्डेंस करे वो मतलब इंफॉर्मेशन अच्छी तरीके से पास ऑन करे मीटिंग्स रखे रिकॉर्ड्स जो हैं वो रखे ठीक तरीके से और बाकी के एडमिनिस्ट्रेटिव काम करे पेपर वर्क का काम करे और राइट सो आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है आपका फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी तो आई होप आपको ये जो ऊपर का जितना भी इंफॉर्मेशन था दैट इज़ रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्रेटरी एंड मीनिंग ऑफ सेक्रेटरी ये समझ में आया होगा तो आगे देखते हैं फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी सेक्रेटरी के फीचर्स क्या हैं तो एक, -एक करके फीचर्स हम स्टडी कर लेते हैं तो फर्स्ट इज इंडिविजुअल तो सेक्रेटरी के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए सेक्रेटरी कौन हो सकता है ये सारी चीज़ें सेक्रेटरी के फीचर्स में हम स्टडी करेंगे तो फर्स्ट इज़ इंडिविजुअल ओनली एन इंडिविजुअल अलोन कैन बी अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी अगर हमें सेक्रेटरी अपॉइंट करना है तो सिर्फ एक इंडिविजुअल को ही हम एज अ सेक्रेटरी अपॉइंट कर सकते हैं ऑल राइट अ फर्म एन इंस्टीट्यूशन और अ कॉरपोरेट बॉडी कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी कोई भी एक फर्म मतलब कोई कंपनी हो गया कोई इंस्टीट्यूशन हो गया या फिर हम ऐसे बोल दें कि हम किसी एक ग्रुप को एक चार पांच जन हैं चार पांच लोगों का एक ग्रुप है वो पूरे ग्रुप को एज अ सेक्रेटरी अपॉइंट करे तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि सेक्रेटरी सिर्फ एक इकलौता आदमी एक इकलौता इंडिविजुअल ही होना चाहिए ऑल right? तो इंडिविजुअल मतलब अ लोन पर्सन अ सिंगल पर्सन तो सेक्रेटरी कौन होगा ओनली अ सिंगल पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी कोई एक कंपनी कोई एक ग्रुप ऑफ पीपल एज अ सेक्रेटरी हम अपॉइंट नहीं कर सकते अ सेक्रेटरी हैज़ टू बी एन इंडिविजुअल एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज लॉ एंड ऑल्सो ड्यू टू द स्किल्स रिक्वायर्ड टू फुलफिल द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्स द एम्प्लॉयज दी अकॉर्डिंग टू लॉ कानून कंपनी का जो लॉ है कानून है उसके हिसाब से सिर्फ एक इंडिविजुअल एक सिंगल इंडिविजुअल आदमी ही सॉरी एक सिंगल इंडिविजुअल ही एज अ सेक्रेटरी हम अपॉइंट कर सकते हैं किसी ग्रुप को या फिर किसी पूरे कंपनी को एज अ सेक्रेटरी हम अपॉइंट नहीं करेंगे और वो जो भी पर्सन एज अ सेक्रेटरी अपॉइंट होगा वो सारी की सारी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करेगा जो उसके एम्प्लॉयर दैट इज़ उसके बॉस ने दी होंगी और राइट आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट समझ में आया होगा नेक्स्ट देखते हैं ड्यूटीज सेक्रेट्री हैज़ टू परफॉर्म रूटीन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज सच एस करस्पॉन्डेंस कंडक्टिंग मीटिंग्स मेन्टेनिंग रिकॉर्ड्स एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन तो सेक्रेटरी को क्या काम करने पड़ते हैं उसको सारे रूटीन और एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज करने पड़ते हैं जैसे कि करस्पोंडेंस मतलब इंफॉर्मेशन जो है बात करना लेटर्स देना देन मीटिंग्स कंडक्ट करना रिकॉर्ड्स जो भी हैं वो सारे के सारे मेंटेन करके रखना इंफॉमेशन देना ये सारे काम सेक्रेटरी के होते हैं सेक्रेटरी आल्सो हैज़ टू फुलफ़िल द डे टू डे रूटीन ड्यूटीज रिलेटेड टू एम्प्लॉयर्स और ऑर्गेनाइजेशन सच एज क्लारिकल वर्क रिकॉर्डिंग फिक्सिंग अपॉइंटमेंट्स गिविंग रिमाइंडर्स रिप्लाइंग टू अदर एम्प्लॉयज़ क्वेरीज एक्सेट्रा तो सेक्रेटरी के और भी काम हैं जो डेली होते हैं जो डे टू डे मतलब जो रोज़ के काम हैं वो भी सेक्रेटरी करता है क्या क्या होते हैं रोज़ के काम क्लरिकल वर्क मतलब पेपर वर्क हो गया रिकॉर्डिंग जो भी मीटिंग में काम होता है उसको रिकॉर्ड करके रखना अपने बॉस का जो भी अपॉइंटमेंट है उसको फिक्स करना देन रिमाइंडर्स देना मीटिंग के लिए अगर कुछ हो तो किसी एम्प्लॉयज़ के पास अगर कोई क्वेरीज है कोई डाउट है क्वेश्चन है तो उसका आंसर देना ये सारा रोज का काम है जो सेक्रेटरी करता है किसके बिहाफ पे अपने बॉस के बिहाफ पे ऑल राइट दिस ड्यूटीज़ इज़ वेरीज अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज इन रिसेंट टाइम्स सेक्रेटरी हैज़ टू एंश्योर लीगल कंप्लायस तो ये जो ड्यूटीज़ हैं सेक्रेटरी की वो डिपेंड करती है कि वो किस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है या किसके लिए काम करता है और राइट right? आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इज़ क्वालिफिकेशन एवरी सेक्रेटरी मस्ट पोजेट सर्टन क्वालिटीज़ एंड क्वालिफिकेशन एज पर दी ऑर्गेनाइजेशन हर एक सेक्रेटरी को कोई ना कोई क्वालिटीज़ उसके अंदर होनी चाहिए और क्वालिफिकेशन उतना उसके पास पढ़ाई की होनी चाहिए उसने कि वो एज अ सेक्रेटरी अपॉइंट किया जा सके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हाउ एवर अ पर्सन हु इज़ अपॉइंटेड एज अ कंपनी सेक्रेटरी इन अ पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नीड्स टू हैव सर्टन प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन बट अगर कोई भी पर्सन कंपनी में एज अ कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट होता है चाहे फिर वो कंपनी पब्लिक कंपनी हो चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो तो उसे एक प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन जो है एक डिग्री होती है सेक्रेटरी की अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 वो डिग्री उसको लेनी पड़ेगी तभी ही वो किसी भी कंपनी में एज अ कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट हो सकता है सिमिलरली अ सेक्रेटरी ऑफ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नीड्स टू हैव द क्वालिफिकेशन एज़ पर द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन वैसे ही अगर कोई सेक्रेटरी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाता है काम करने के लिए उसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हम अपॉइंट करते हैं तो उसकी क्वालिफिकेशन उसकी डिग्री जो है वो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए और राइट नेक्स्ट पॉइंट है अपॉइंटमेंट अ सेक्रेटरी कैन बी अपॉइंटेड बाई इंडिविजुअल्स प्रोफेशनल्स सोसाइटी कॉरपोरेशन गवर्नमेंट पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज एक्सेट्रा इन अदर वर्ड्स अ सेक्रेटरी कैन बी अ पर्सनल और इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी तो ये पॉइंट क्या बता रहा है कि सेक्रेटरी को कौन कौन अपॉइंट कर सकता है तो कौन सेक्रेटरी अपॉइंट कर सकता है कोई भी इंडिविजुअल है वो अपॉइंट कर सकता है सेक्रेटरी अपने लिए कोई प्रोफेशनल्स हैं जैसे कि डॉक्टर्स लॉयर्स ये सब प्रोफेशनल होगा ये भी सेक्रेटरी अपॉइंट कर सकते हैं सोसाइटी भी सेक्रेटरी अपॉइंट करती है कोई बड़ी सी कंपनी कॉरपोरेशन हो गया फिर गवर्नमेंट है पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन जॉइंट्स ऑफ कंपनीज ये सारे लोग सेक्रेटरी अपॉइंट कर सकते हैं इन अदर वर्ड्स सेक्रेटरी कैन बी अ पर्सनल और इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी तो अगर हम दूसरी भाषा में बोला जाए बोले जाए तो सेक्रेटरी पर्सनल सेक्रेटरी भी हो सकता है और इंस्टीट्यूशनल मतलब किसी कंपनी का भी सेक्रेटरी वो हो सकता है और राइट नेक्स्ट पॉइंट इज पेड एम्प्लॉय अ सेक्रेटरी इज अ पेड एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी को हम अगर जॉब पे रखते हैं तो हम उसके उसकी उसके लिए उसे पेमेंट देते हैं दैट इज़ वो एक पेड एम्प्लॉई है फ्री में काम नहीं करता उसके लिए पेमेंट उसको मिलती है काम करने के लिए अ सेक्रेटरी इज इधर गिवन अ सैलरी और पेड एंड ऑन तो सेक्रेटरी जो है जो वो काम करता है उसके लिए या तो उसको सैलरी मिलती है या फिर ऑनोर मिलता है ऑनर का मतलब क्या होता है फीस या फिर पेमेंट उसके जो प्रोफेशनल वो जो काम दे रहा है सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसके लिए जो हम उसको पे करते हैं उसको हम फीस बोलते हैं और राइट ऑल दो सेक्रेटरी इज पेड एम्प्लॉय येट द सेक्रेटरी होल्ड एन इम्पॉर्टेंट पोजिशन इन दी ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी को हम सैलरी देते हैं वो हमारा एम्प्लॉयी है लेकिन फिर भी किसी भी कंपनी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोजिशन पर होता है सेक्रेटरी और राइट नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर अ सेक्रेटरी इज अ कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट एंड कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन जो सेक्रेटरी है वो क्या है एक कस्टोडियन कस्टोडियन मतलब जो सीक्रेट्स अपने पास रखता है जैसे गार्डियंस ठीक है कस्टोडियन का मतलब है गार्डियन तो सेक्रेटरी भी एक गार्डियन है जो अपने पास अपने बॉस के अपनी कंपनी के सारे सीक्रेट इंफॉर्मेशन रखता है अ सेक्रेटरी इज़ क्लोजली कनेक्टेड टू टॉप मैनेजमेंट एंड कैन इन्वॉल्व इन पॉलिसी डिसीजन और जो सेक्रेटरी होता है वो टॉप में लेवल मैनेजमेंट में जो होते हैं डायरेक्टर्स सीईओ ये जो भी होते हैं ना बड़े बड़े मैनेजर्स इनके साथ में क्लोजली मतलब एकदम साथ में काम करता है और जो पॉलिसीज़ बिजनेस या फिर कंपनी के जो पॉलिसीज़ बनते हैं उसमें भी वो पार्ट लेता है और राइट नेक्स्ट क्या है रिप्रेजेंटेटिव अ सेक्रेटरी एक्ट एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन तो सेक्रेटरी क्या काम करता है वो एज अ रिप्रेजेंटेटिव काम करता है रिप्रेजेंटेटिव मतलब किसी के बिहाफ पे वो जाता है मतलब हर जगह उसका बॉस या फिर कंपनी नहीं जा सकती ठीक है तो कंपनी के बिहाफ पे सेक्रेटरी जाता है मीटिंग अटेंड करने या फिर कहीं पर भी या फिर जो उसका बॉस है जिसने सेक्रेटरी अपॉइंट किया है तो बॉस हर जगह नहीं जा सकता तो बॉस के बिहाफ पे सेक्रेटरी जाता है ऑल राइट जनरली सेक्रेटरीज आर ऑफ टू टाइप्स तो मोस्टली सेक्रेटरीज दो टाइप के होते हैं एक होते हैं पर्सनल सेक्रेटरी और दूसरे होते हैं इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी ये हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे सेक्रेटरीज अपॉइंटेड बाय इंडिविजुअल्स आर नोन एज पर्सनल सेक्रेटरी तो जो सेक्रेटरी इंडिविजुअल्स अपॉइंट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं पर्सनल सेक्रेटरी इंडिविजुअल्स मतलब जैसे डॉक्टर ने अगर सेक्रेटरी अपॉइंट किया तो डॉक्टर एक इंडिविजुअल है तो वो उसका जो सेक्रेटरी होगा वो होगा पर्सनल सेक्रेटरी और राइट द सेक्रेटरी रिप्रेजेंट देयर एम्प्लॉयर्स तो ये जो सेक्रेटरी हैं वो अपने एम्प्लॉयर को रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है नेक्स्ट इज़ इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरीज आर अपॉइंटेड बाई सोसाइटीज कंपनीज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड रिप्रेजेंट देयर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी कौन अपॉइंट करता है इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरीज को कोई सोसाइटी हो गई कोई कंपनी हो गई या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गया ऐसे लोग इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी अपॉइंट करते हैं मतलब ऐसे लोग जब सेक्रेटरी को अपॉइंट करते हैं तो हम उन्हें बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी जो अपने पूरे सोसाइटी या फिर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या किसी कंपनी के बिहाफ पे कहीं पे जाते हैं तो हम उसे बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी और राइट आई होप आपको क्लियर हो रहा हो आपको समझ में आ रहा हो लास्ट पॉइंट है फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी का क्वालिटीज अ सेक्रेटरी शुड possess certain क्वालिटीज़ सो so as टू कंडक्ट द secretarial ड्यूटीज़ स्मूथली तो सेक्रेटरी के पास कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए कुछ खूबियाँ होनी चाहिए सो so दैट वो जो काम है अपना सेक्रेटरियल जो वर्क है वो अच्छी तरीके से प्रॉपरली और स्मूथली कर सकें द क्वालिटीज़ लाइक कॉन्सेंट्रेशन इंटेलिजेंस टैक्ट लॉयल्टी कोऑपरेशन कर्टसी लीडरशिप ऑर्डरलीनेस एंड नॉलेज सीकर असिस्ट इन स्मूथ एंड इफिशियट वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन तो सेक्रेटरी के पास कैसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए कॉन्सेंट्रेशन पावर अच्छा होना चाहिए कि कोई कुछ बोल रहा है तो उसके ऊपर ध्यान से वो सुने ऑब्वियसली ही शुड भी इंटेलिजेंट ही शुड भी टैक्ट लॉयल होना चाहिए कोऑपरेशन सबके साथ मिलजुल कर काम करना करने वाला होना चाहिए कर्टसी होनी चाहिए सेक्रेटरी में मतलब सेक्रेटरी पोलाइट होना चाहिए किसी से भी रूडली बात नहीं करनी चाहिए सेक्रेटरी को लीडरशिप को लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए सेक्रेटरी में ऑर्डरलीनेस एंड नॉलेज सीकर मतलब रूल्स को फॉलो करने वाला ऑर्डर्स को ओबे करने वाला और नॉलेज सीकर मतलब जहाँ से जो नॉलेज मिलता है कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है तो वो इन्फॉर्मेशन को लेने वाला होना चाहिए ये सारी क्वालिटीज सेक्रेटरी के अंदर होनी चाहिए तभी ही सेक्रेटरी का जो काम है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो स्मूदली और अच्छी तरीके से हो पाएगा और सो यहाँ पर हमने फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी कम्प्लीट कर लिया सो आई होप आपको पूरे के पूरे एट पॉइंट्स जो हैं फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी के वो समझ में अच्छी तरीके से आए होंगे तो इस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन मीनिंग एंड डेफिनेशन और फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी ये पूरा पार्ट कवर कर लिया आगे का जो पार्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे आई होप आपको ये पूरा पार्ट समझ में आया होगा सो थैंक यू फॉर योर टाइम